My dear students, I am BD Pal. I shall teach you degree of comparison. मैं आपको बताऊंगा कि तुलनात्मक वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और तुलनात्मक वाक्यों को आपस में कैसे बदला जाता है, एक ढंग को दूसरे ढंग से कैसे कहा जाता है. एडजेक्टिव और एडवर्ब जो शब्द होते हैं, ये इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अब आप कहेंगे कि सर आपने ये डिग्री ही क्यों पहले उठाई, तो देखिए हमारे समाज में एक आदत है तुलना करने की. मैंने कहा मैं भी तुलनात्मक ढंग से ही पढ़ाना शुरू करूँ. देखिए जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं. उसे हम पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं. कैसे, या उसको हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे. देखिए आप एक बार देखेंगे, मैं कह रहा हूँ नंबर एक आता है पॉजिटिव डिग्री, नंबर एक आता है आपका पॉजिटिव डिग्री. मैंने इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कहेंगे, व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग, जब हम किसी व्यक्ति, देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वी यूज ओनली पॉजिटिव डिग्री, वी यूज ओनली पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री. हमने लिखा है जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के बारे में, तब हम केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि वी आर टॉल मैन. नंबर दो, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. नंबर तीन, दे आर गुड पर्संस. देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, जैसा हमने आपको डिफिनीशन दी थी वैसे लिखा है कि हम, वी आर टॉल मैन, हम लंबे व्यक्ति हैं. सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है. दे आर गुड पर्संस, वे अच्छे व्यक्ति हैं. यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की, यहाँ पर ही बात कर रहे हैं व्यक्ति की, यहाँ पर ही बात कर रहे हैं व्यक्तियों की. इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं, जब हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करते हैं, नंबर दो पे आते हैं, अगर हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करते हैं, देखिए आप इसको समझेंगे जब देखते जाएंगे तो समझ में आएगा. यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर दो पे कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री. देखिए कंपेरेटिव डिग्री का व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं कि व्हेन वी कंपेयर, जब हम तुलना करते हैं टू पर्संस, जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, कॉमा टू थिंग्स, जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, और टू प्लेसेस, जब हम दो स्थानों की तुलना करते हैं. कहने का मतलब क्या है, जब हम तुलना करते हैं दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, या फिर दो स्थानों में तुलना करते हैं, तो वी यूज, वी यूज पॉजिटिव डिग्री, वी यूज पॉजिटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री. देखिए मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, मैंने बचपन में पढ़ा था और आप भी समझने की कोशिश करिएगा. आपने सुना होगा कि एक बात की तीन बातें बनाते हैं, अरे बनाते नहीं हैं भाई, कहने का ढंग होता है, आपको भी आना चाहिए. आप भी समझिए और आप भी एक बात को तीन ढंग से कह सकते हैं. सामने वाले ने कह दिया, आप सोचने लगे अब हम कैसे कहेंगे, लेकिन आप भी कहिएगा. देखिए यहाँ पर मैं कैसे इसको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वी आर टॉलर, वी आर टॉलर और देन यू, इसका मतलब हुआ कि मैं आपसे लंबा हूँ,
मैं आपसे लंबा हूँ, या आप ये लाइन किसी ने कह दी तो हम कह सकते हैं सही बात है। कैसे हम कह सकते हैं यू आर नॉट सो टाल एज वी। क्या हमने कहा? आप इतने लंबे नहीं जितना कि हम। ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री में है और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में। कंपेरेटिव डिग्री में डिग्री के पश्चात सदैव देन का होना आवश्यक है और पॉजिटिव डिग्री सदैव सो और एज के बीच में रखी जाती है। शायद मेरी बात समझ में आई। मैंने यहाँ पर आपको पर्सन का उदाहरण दिया, अब मैं आपको देता हूँ थिंग्स का। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको इरेज कर दें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि माई पेन, ठीक है, माई पेन और इज बेटर और देन दैट। इसका मतलब हुआ कि मेरा कलम उस कलम से अच्छा है, या हम क्या कह दें कि दिस पेन इज नॉट और सो गुड और एज माइन। दिस पेन इज नॉट सो गुड, ये कलम इतना अच्छा नहीं जितना कि मेरा। अब आप देखिए कहने का ढंग है, मेरा कलम उस वाले कलम से अच्छा है, या यह कलम इतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरा कलम अच्छा है। तो एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। इसी तरह से जब मैं आगे बात करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है कि इसी प्रकार जो तीसरी डिग्री होती है जिसका नाम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या नाम है? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो तीसरा नाम आता है सुपरलेटिव डिग्री, एस यू पी ई आर एल ए टी आई वी ई, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मैं पहले बताऊंगा आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में कि व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन्स, टू थिंग्स एंड टू प्लेसेस, देन वी यूज पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो बात साबित करने जा रहा हूँ जो मैं कहता हूँ कि एक बात को तीन तरीके से व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि व्हेन वी कंपेयर और more than two persons, places and things. When we compare more than two persons, places, or things. जब हम तुलना करते हैं दो से अधिक व्यक्तियों की, स्थानों की और वस्तुओं की, तब हम प्रयोग करते हैं किसका? We use पॉजिटिव डिग्री कॉमा कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पर वो बात मैं प्रूव करूँगा कि एक बात को तीन तरीके से कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक आप समझ गए, जब हम तुलना करते हैं मोर देन टू पर्सन, जब दो से अधिक व्यक्तियों की, स्थानों की और वस्तुओं की तुलना करते हैं, तब वी यूज पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे इरेज करूँगा, याद रखिएगा, और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूँगा। देखिए दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में कैसे तुलना होती है, जैसे हम यहाँ पर लिखें कि मोहन इज द बेस्ट बॉय और इन द क्लास, कि मोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। और इसी बात को मैं दूसरे ढंग से कहूँ, ये समय सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। जब इसी को हम कंपेरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मोहन इज बेटर देन एनी
other boy in the class. तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोहन कक्षा में अन्य किसी लड़के से अधिक अच्छा है, या इसी बात को मैं अधिक, ये कंपेरेटिव डिग्री में डिग्री के पास साथ सदैव देन का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात जब मैं करता हूँ तो क्या कहता है, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड और एज मोहन। देखिए यहाँ पर क्या, यही बात, तीनों बातें एक ही जैसा अर्थ दे रही हैं। क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि कोई भी लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं जितना कि मोहन। देखिए एक बात थी, तीन तरीके से कहा गया, इसी का नाम है सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि एक ही बात कहने के तीन तरीके होते हैं। ये मजाक में नहीं कहा जाता, सही कहा जाता था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कभी भी इंग्लिश पढ़ते समय डरे नहीं, बोलें, आप उसको बोलिए, आप उसको समझिए, और जब भी कोई काम करिए। मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगा कि मैंने आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पढ़ाया, जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब की तीन अवस्थाओं को मैंने बताया कैसे प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। आप इसे पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सही ढंग से आपके पास रख सकूं। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।